जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 52,699 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें अदर राज्य जैसे MP, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, जो भी अदर राज्य होंगे, उनको इस भर्ती में कितना लाभ मिलेगा, कितनी परसेंट छूट मिलेगी, क्योंकि वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि MP पुलिस में भर्ती आती है तो उत्तर प्रदेश के जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको कितना छूट मिलता है। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें 52,000 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें कितना छूट मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें अदर राज्यों को 5% छूट मिलेगा। मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी 52,699 हुई, तो 52,699 में से आपको लगभग लगभग 26, कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 2600 से 2700 लगभग वैकेंसी आपको मिलेंगी। अब आप बात करते हैं 2600 से जो 2600 2700 वैकेंसी आएंगी, इसमें जो मेरे साथी लोग OBC हैं, SC हैं, जनरल हैं, उनका क्या आंकड़ा रहेगा, शेप स्कोर क्या रहेगा, उनको फायर करने के लिए कितने नंबर चाहिए। जिसमें जिसमें मेरे OBC और जो SC वर्ग के जो भी मेरे अदर राज्य के साथी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश पुलिस में फाइट होने के लिए अगर वो सोचते हों कि मुझे इसमें छूट मिलेगी, मैं अदर राज्य से हूँ, OBC हूँ, SC हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश में आके जनरल फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि हमारे मेरे लिए भी अलग से वैकेंसी आएंगी, नहीं, आप लोगों के लिए सिर्फ 5% पहले से जो 5% वैकेंसी दे रखी है उसमें आपको आकर उत्तर प्रदेश में जनरल फाइट करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल फाइट करोगे तभी वो 5% वैकेंसी आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो भी मेरे साथी लोग कर रहे हैं उनको इन अदर राज्यों से कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो वैकेंसी आती है हर बार 5% अदर राज्य के लिए वैकेंसी होती है। मैं भी अदर राज्य से बिलोंग करता हूँ, मैं MP से बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर से। जब उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती आई थी तब मुझे भी 5% कोटा मिला था, तब मैंने भी आके जनरल फाइट किया था। तो आप लोगों के लिए भी मौका है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, जिनका मूल निवासी उत्तर प्रदेश का है, तो उनके लिए आप लोग जो 52,699 वैकेंसी आने वाली हैं, जिसमें 5% वैकेंसी तो अदर राज्य के लिए चली गई, अब बची आपकी, जैसे मान लीजिए आपकी वैकेंसी 52,699 हैं, जिसमें से 2600 वैकेंसी तो आपकी अदर राज्य के लिए चली गई, बची आपकी 50,000 वैकेंसी। अब आप 50,000 वैकेंसी में आप कैलकुलेशन कीजिए, आपके लगभग 20 से 25 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। जब आप फॉर्म अप्लाई हुए तब आप देखना, जब मैं भर्ती हुआ था मेरी भर्ती में भी 28 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। तो आप समझिए कि जब आप भर्ती होंगे तो लगभग 20 से 25 लाख, मैं कम से कम बता रहा हूँ, फॉर्म अप्लाई होंगे। अब आप ज़रा कैलकुलेशन कीजिए कि एक वैकेंसी है आपकी, उसके लिए कितने स्टूडेंट्स तैयार हैं। आपने एक स्टेप अगर पीछे लिया तो वो आपसे एक स्टेप आगे जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बस आपके पास कुछ दिन बचे हैं, आपके पास कम से कम 4 से 5 महीने बचे हैं। अगर आप ये 4 से 5 महीने अच्छे से तैयारी करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो आपकी वैकेंसी एक है, आपको सिर्फ 50,000 की वैकेंसी नहीं देखनी है, आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि जो एक वैकेंसी है वो उसमें सिर्फ मैं सेलेक्ट हूँ। अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ाई करोगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई में कभी असफल नहीं होगे, सफल होगे। अब बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगा अदर राज्यों के लिए। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का जनरल का कट ऑफ 220 गया, तो जो अदर राज्य के हैं उनका कट ऑफ क्या जाएगा, क्योंकि उनकी 2600 वैकेंसी हैं तो उनका कट ऑफ क्या ज़्यादा जाएगा, उनका कट ऑफ क्या 230 से जाएगा, क्योंकि उसमें 5 लाख फॉर्म अप्लाई होंगे तो उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जनरल प्लस SC प्लस OBC प्लस ST के लिए थोड़ा छूट रहेगा,
ओबीसी और एससी जनरल के लिए कोई छूट नहीं रहेगा। आप लोगों को भी या उत्तर प्रदेश में आकर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 220 से मेरिट गई तो आप लोगों को भी 220 नंबर ही चाहिए। आप लोग ये सोचें कि मुझे 230 नंबर चाहिए तब मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग ये भी ना सोचें कि वैकेंसी 52,000 आ रही है, आप सिर्फ इतना लक्ष्य मान के ये पढ़ें कि मुझे सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, मुझे 52,000 वैकेंसी ही चाहिए। अगर आप ये जानकर तैयारी करोगे तो आप जरूर सफल होगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।